हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा रिएक्शन टरबाइन के बारे में। रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टरबाइन का काम क्या है। टरबाइन का काम ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, ये काम है टरबाइन का। अब यहां पे लिखा हुआ है रिएक्शन टरबाइन, और रिएक्शन टरबाइन जो बेस्ड है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि एवरी एक्शन पे हमारा क्या होगा, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, जो हम एक्शन करेंगे तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। इसमें भी वही चीज है, कॉन्सेप्ट हमारा वही चीज है। और रिएक्शन टरबाइन के जो एग्जाम्पल है, आपका फ्रेंसिस टरबाइन हो गया, कैपलन टरबाइन हो गया, वो इसके एग्जाम्पल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो यहां पे हमारा जो है रोटर हो गया, या रडर इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, गियर बॉक्स है, जनरेटर है, ये इसके क्या है आपका कंपोनेंट्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां इस डायग्राम से समझते हैं कि ये जो हम लोग को क्या है, ये रडर, या इसको हम लोग बोलते हैं रोटर। ठीक है, ये क्या है, रोटर है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रोटर जो लगा हुआ है यहां पे, जो शाफ्ट है वो यहां पे, ये हमारा जो है, ठीक है, ये पाइप है, ये लगा हुआ है इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से वाटर फ्लो कराते हैं सेंटर में। अब यहां से जब वाटर को फ्लो करवाएंगे तो यहां क्या होगा, यहां से वाटर इस तरह से फ्लो करेगा, इधर करेगा, और यहां से सेंटर से जब हम लोग करेंगे तो यहां से इधर फ्लो करेगा। यहां से क्या हुआ, हमारा जो वाटर है, ठीक है, यहां से क्या हुआ, आउट होगा, और यहां से ये आउट होगा। अब क्या होगा कि यहां से, जैसे यहां से वाटर इधर इस डायरेक्शन में आउट होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इधर से फोर्स लगेगा, धक्का देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी होगा कि इस डायरेक्शन से जो हमारा जो वाटर आउट होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही आपका क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ये तो यहां से स्टीम है ना, या वाटर जो भी हम लोग ले रहे हैं, यहां से आउट हुआ और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे धक्का देगा। सेम कॉन्सेप्ट, इस डायरेक्शन से यहां से आउट हो रहा है, ठीक है, वाटर या स्टीम, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहां से क्या हुआ, इसके सेंटर से ये जो हमारा जो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये जो हमारा जो नोजल है जो लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था इंपल्स टरबाइन, और इंपल्स टरबाइन अभी वीडियो मैंने लिंक में शेयर कर दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें हमने जो नोजल लिया था वो फिक्स नोजल था, ठीक है, और यहां पे जो ये जो नोजल लिया हुआ है वो हमारा क्या है, मूविंग नोजल है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग यहां पे वाटर इसके अंदर फिल किया, ये जो हमारा जो नोजल है, अब ये क्या होगा, ये यहां घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से। ठीक, अब होगा क्या कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम या काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे समझते हैं। ये देखिए हमारा ये क्या है, रोटर है, और ये जो हम लोग जो देख रहे हैं, ये हमारा जो नोजल है, यहां से आपका स्टीम आउट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो हम लोग वाटर जो यहां से फ्लो कराएंगे, कहां से, यहां से इस तरीके से, यहां पे इसके सेंटर से यहां पे वाटर फ्लो करेगा। इस करने के बाद क्या होगा, इधर मूव करेगा, यहां से इस तरीके से जाएगा, इधर भी इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा इस तरीके से, यहां से स्टीम आउट होगा और यहां पे इस, यहां से स्टीम आउट होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, रिएक्शन लगेगा यहां पे। ठीक है, इधर से तो स्टीम इधर से आउट हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में सेम इतना ही लगेगा फोर्स यहां पे, यही सेम यहां पे भी यही होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा, ये नोजल जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, और ये जब मूव करेगा तो इसके साथ से अटैच है, ठीक है, तो ये भी घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हम लोग यहां पे लगाया हुआ था कनेक्टिंग रॉड से साथ अटैच है, और ये गियर बॉक्स के साथ अटैच कर देते हैं। गियर बॉक्स का हमारा जो स्पीड रेशियो है वो इंक्रीज करने का काम करता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो ये पर्पस है, जो गियर बॉक्स यहां पे लगा हुआ है वो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमने यहां पे लगाया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि गियर बॉक्स से जो अटैच है हमारा क्या है, जनरेटर अटैच है। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल वे में ऐसे वर्क करता है हमारा ये रिएक्शन टरबाइन। आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।